साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तड़के आत्महत्या मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में आज तड़के 4 बजे सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुंची है। यहां सीबीआई के 2 सदस्य टीम आत्महत्या मामले में जांच पड़ताल करेगी। बता चले कि झारखंड हाईकोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस मानते हुए सीबीआई जांच के लिए आदेश दे दिए थे। वहीं इसके बाद से सीबीआई की ओर से जांच शुरू किया गया। इससे पूर्व सीबीआई की टीम ने रांची में भी इस मामले की जाँच की थी। इसके बाद से अब साहिबगंज पहुंचकर जांच की प्रक्रिया शुरू करेगी। बताते चले कि झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा था कि यह रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस है। सीबीआई जांच की मामला पूरी तरह से फिट है। अदालत ने सीबीआई की ओर से उपस्थित अधिवक्ता राजीव सिन्हा से कहा था कि सीबीआई अविलंब रूपातल की मौत के मामले में जांच की जिम्मेवारी संभाले। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को की दलील को खारिज करते हुए उक्त फैसला सुनाया। वहीं बता दें कि सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम बुधवार को साहिबगंज पहुंची और साहिबगंज की टीम सुबह लगातार 4 बजे से साहिबगंज पहुंची हुई है। वहीं यहां महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की केस की जांच करने में जुटी हुई है। बाकी